हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मोर पंखों से जो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल अगर मिल जाते हैं तो मोर पंखों की मदद से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी होममेड डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। फोटो टाइप का बना के आप फ्रेम बना के उसका घर में रख सकते हो। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, मेरे पास देखो, मेरे पास बहुत मोर पंख अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे गांव में बहुत मिल जाते हैं, बहुत मोर पंखों की मोर बहुत है इधर। बहुत जिस जगह पे मोर ज़्यादा मिल जाते वहाँ पे मोर पंख वगैरह गिरते हैं ना, फिर उनको इकट्ठा करके ऐसा कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा एक नाप के आप जिस जितना फ़ोटो बनाना चाहिए उतना फ़ोटो बनाने के लिए उस नाप के सारे मोर पंखों को इस टाइप का कट कर लेना चाहिए। ऐसा सारे एक साइज में कट करके रख लेना चाहिए। जैसे ये कट करके सारे को एक साइज में कट करके रख लेके इनको आपस में जोड़ेंगे हम। जो पतले पतले हैं इनको साइड कर देंगे, जो मोटे मोटे हैं उनको एक साथ रख के फिर हम कुछ देखो पीछे बैकग्राउंड बेस के लिए कोई भी गत्ता टाइप का, पेपर टाइप का, कोई मोटा सा कार्डबोर्ड टाइप का ले लेना चाहिए। लेके उसके ऊपर देखो ऐसा फेविकॉल जो भी है, ग्लू स्टिक जो भी है, कोई भी ग्लू से ऐसा चिपका के एक दूसरे के बगल में ऐसा रखते हुए आपस में चिपकाते रहना चाहिए, ऐसा चिपका लेना चाहिए। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इस टाइप का चिपका के हम कोई भी फोटो फ्रेम टाइप का फोटो डिज़ाइन, फोटो अच्छा वाला डिज़ाइन फोटो बना सकते हैं। घर में रखने से क्या है, एक डेकोरेटिव आइटम बन जाएगा, कोई भी मेहमान देखने से क्या है लुक अच्छा आता है। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ऐसा मेरे पास फेविकॉल है, ये फेविकॉल लगा लगा के मैं एक के बगल में एक ऐसा सेट करते जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये अगर कुछ ऐसा कर्व में है तो उनको तोड़ तोड़ के आप सीधा करके, ये देखो फ्रेंड्स, मैं सारे को एक सीरियल में एक इनलाइन में सारे को सेट कर लिया हूँ। सेट करके अभी इसके ऊपर और मैं क्रॉस में हल्का सा ऐसे क्रॉस में और बिना जो उसका जो पंखड़ी का जो लीव्स है हल्का हल्का उनको हटा के बिल्कुल जो बीच वाले जो वाइट वाला पंखड़ी है उसी को रखूँगा, उसी को मैं एक क्रॉस में सारे को सेट करूँगा। देखो फ्रेंड्स, जो वाइट वाला है इसके ऊपर जो बाल टाइप के थे वो मैं सब हटा दिया, फिर सिर्फ ओनली वाइट वाला रख लिया। इनको एक दूसरे के बगल में ऐसे क्रॉस में रखते हुए सेट करूँगा। ये पूरे सेट करने के बाद देखने में अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पेंटिंग, कोई भी अगर नेम आर्ट का कुछ भी बना सकते हो आप। मैं भी कुछ ऐसे ही बनाया हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा ऐसे ही। देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, इस टाइप का मैं एक दूसरे के बगल में ऐसा सेट करते हुए सारे को जमा दिया हूँ। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, एक दूसरे के बगल में ऐसे सारे को जमा दिया। इस टाइप का जमा के नीचे
नीचे का हिस्सा जो था मैं ऐसा क्रॉस में कैंची से काट लिया हूँ ताकि देखने में एक टाइप का लुक अच्छा आए। देखो फ्रेंड्स ऐसा दोनों तरफ काट लिया। अभी ऊपर वाले हिस्से में मैं मोर पंखों को लगाऊंगा और ये बीच में पेंट करूंगा। बीच में पेंट करके ये सारे करने के बाद देखो फ्रेंड्स इस टाइप का बन जाएगा। आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स ऊपर में मैं क्या है, ऊपर में मोर पंख लगाया हूँ और बीच में जो सुनहर से और पेंट से ये इस टाइप का पेंट्स बनाया हूँ। अच्छा लगा ना फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।